गाइस वेलकम बैक टू मशीन लर्निंग कोर्स। हम बात करने वाले हैं आज हम लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम किस तरह से हम पाइथन के थ्रू प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके सो आज हम यही काम करने वाले हैं, हमारे लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को हम प्रोग्राम करने वाले हैं पाइथन की मदद से। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे जुपिटर नोटबुक में। ओके सो जितने जुपिटर नोटबुक खुलती है आप एक काम कर दीजिए, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए एंड लाइक वाइक तो बाद में होता रहेगा। ओके लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक करके जाइए और कुछ कमी लगती है वीडियो में कमेंट कीजिए मुझे बताइए। ओके सो कैसा लगा आपका वीडियो बताइए मुझे कमेंट करके। सो फटाफट से हम खोल लेते हैं हमारी नोटबुक। हमें दो लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी या बोल सकते हैं दो मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ेगी हमें। सबसे पहले टू नमपाई, नमपाई की जरूरत पड़ेगी हमको मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके ये हमारी सिंपलिसिटी कर देगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के हम बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले इसमें लिखने पड़ेंगे, बहुत सिंपलिसिटी से हम क्या कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके सो मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने डाल दिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने का आएगा कमेंट डाल दिया मैंने इसको। नाउ नेक्स्ट थिंग हम इम्पोर्ट करेंगे हमारे डेटा को विजुअलाइज करने के लिए क्या, मैट प्लॉट लिब डॉट पी वाई प्लॉट एज PLT। ये किस काम आएगा हमारे, सो डेटा को विजुअलाइजेशन करने में काम आएगा, विजुअलाइजिंग द डेटा, विजुअलाइजिंग द डेटा हमारी लीनियर रिग्रेशन लाइन होगी तो उसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखेंगे हम किस तरह से वो बिहेव कर रही है, लीनियर बिहेव कर रही है किस तरह से बिहेव कर रही है, सो वो चीजें हम देखने वाले डेटा पॉइंट्स को वो ओवरलैप कर रही है नहीं कर रही है, सो ये सही कितना एरर है, सो वो ग्राफ के थ्रू हम सब रिकॉग्नाइज करने वाले। ओके सो दो लाइब्रेरीज को हमने इन्वॉक कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, हमारा डेटा क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं हम हमारा डेटा क्रिएट। तो सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, सो लेट्स एट एक्स वेरिएबल लेते हैं एक्स नाम का जिसको हम एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। सो एन पी डॉट एरे, एरे फॉर्म करते हैं। ओके सो हमारा डेटा हम जो भी डाल सकते हैं डाल सकते हैं 1 2 3 4 5, मैं सिंपल डेटा ले रहा हूँ बहुत ज़्यादा टफ डाटा नहीं ले रहा हूँ, एक और डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह 5 एक वेरिएबल पर ट्रीट, माई नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने जिसको एज डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। सो किस टाइप का होगा, एन पी डॉट एरे टाइप का होगा वो, सो कुछ वैल्यू ले सकते हैं हम 20, 45, 65, 75। ओके 3, 4 हमें 5 वैल्यू चाहिए एंड क्या ले सकते हैं 85। ओके बहुत सिंपल सी वैल्यू ली मैंने। ओके सो नाउ डिपेंडेंट वेरिएबल और ये वैल्यू ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सोच के रखी थी पहले से वो लिख रहा हूँ मैं, नहीं कुछ भी वैल्यू लिख रहा हूँ मैंने आपके सामने, कुछ भी ऐसा नहीं किया है पहले से लिख के नहीं रखा है कुछ भी, बस आपके सामने ये वैल्यूज को मैंने जैसे मेरे दिमाग में आया था कि मैं लिख रखा है बस का बस। सो उसको रन करते हैं, सो हमारा डेटा प्रिपेयर हो चुका है। यहाँ हमने क्या किया हमारा डेटा, मैं लिख देता हूँ उसके आगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्रिएट किया हमने यहाँ पे और ये क्या हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह हम इसको ट्रीट करने वाले हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके सो इसको रन करते हैं सिंपली एंड नेक्स्ट थिंग हम करने वाले हैं एक फंक्शन बनाने वाले हैं जो हमारे लीनियर रिग्रेशन लाइन के कोफिशिएंट को डिटरमाइन करेगा, मतलब स्लोप और इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करेगा। ओके सो स्टैटिकल अप्रोच के थ्रू ये वर्क करता है, सो हम स्टैटिकल अप्रोच के थ्रू ही जाएंगे। सबसे पहले हम कोफिशिएंट नाम देते हैं इसको कोफिशिएंट ऑफ लाइन, जो लाइन बनेगी उसको कोफिशिएंट पता करना है इसलिए नाम दे दिया एक्स कॉमा वाई, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल हम इसके थ्रू पास करने वाले। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग हम करने वाले, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो मीन लेने का होता है, तो एक्स एक वेरिएबल वेरिएबल बनाते हैं किस नाम का, मीन अंडरस्कोर एक्स कोमा मीन अंडरस्कोर वाई, और आपको पता चलेगा कि क्यों लिख रहा हूँ मैं इस तरीके से np डॉट मीन, ठीक है मीन चाहिए मीन ऑफ एक्स कोमा एनपी डॉट मीन ऑफ वाई। सो आप देख सकते हैं कि यार मैंने बीच में कोमा लगाया, मैंने सिंटेक्स लिखा नमपाई का मीन निकालने के लिए बहुत आसान सिंटेक्स है, अगर आप x1 प्लस x2 प्लस x3 इस तरह से कुछ करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो इस तरह से करते हैं तो बहुत बड़ा फॉर्मूला बन जाता है, सिंगल लाइन में आप देख सकते हैं हमारा मीन निकल जाएगा एनपी डॉट मीन की मदद से। ओके एक फंक्शन है एनपी डॉट मीन जो इनबिल्ट है इस मॉड्यूल में। ओके
और देख सकते हैं मैंने सिंपलिसिटी से मैं इसको अलग अलग लाइन में भी लिख सकता था, मीन पहले मीन ऑफ एक्स निकालता फिर मीन ऑफ वाई निकालता, पर आप देख सकते हैं पाइथन में सिंटेक्स बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपलिसिटी होती है, बहुत आसान तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं हमारे सिंटेक्स पाइथन में, इसलिए पाइथन पसंद करते हैं, हर बंदा पाइथन पसंद करता है। सो मीन ऑफ एक्स कॉमा मीन ऑफ वाई इस तरीके से अगर दूसरी थिंग हम करेंगे, मीन निकाल लिया हमने, नाउ फाइंड करेंगे स्लोप, स्लोप फाइंड करने से पहले हम पहले देखेंगे साइज ऑफ एक्स, जो भी वेरिएबल ले रहे हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो साइज क्या है उसकी, बिकॉज वो फॉर्मूले में हमको जो फॉर्मूला है हमारा स्लोप निकालना है उसमें उसमें मदद करेगा एन पी डॉट साइज ऑफ एक्स। ओके साइज ऑफ एक्स, सो एक वेरिएबल बनाया मैं इन नाम का जिसमें मैं साइज डाल रहा हूँ कितने एलिमेंट्स है मेरे एक्स में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितने एलिमेंट्स हैं। ओके सो नाउ नेक्स्ट थिंग हम क्या करने वाले हैं, स्लोप पता करने वाले। सिंपली मैं एक वेरिएबल नेम बनाता हूँ स्लोप, जिसमें वैल्यू डालूंगा, स्लोप की वैल्यू डालूंगा। सो इसका सबसे पहले स्लोप फाइंड करने से पहले मुझे क्या क्या पता करना होगा, SS अंडरस्कोर एक्स वाई समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार समीशन ऑफ एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स इन टू वाई माइनस मीन ऑफ वाई। सो इस तरह का फॉर्मूला है स्टैटिक्स का, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला आपके लिए कमेंट करके, सो आपके लिए आसानी होगी। समीशन ऑफ कॉस समीशन समीशन अब सम ऑफ, ओके समीशन ऑफ, बिकॉज मुझे यहाँ सिंटेक्स मिल नहीं रहा है समीशन का, इसलिए मैं इसको समीशन ऑफ लिख रहा हूँ। ओके समीशन ऑफ, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, मीन ऑफ एक्स जो मीन निकला एक्स का इनटू इनटू वाई माइनस मीन ऑफ वाई। सो ये क्या है, अगर इस फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा जो मैं अभी लिखने वाला हूँ यहाँ पर, np.sum ओके एंड एक्स इनटू वाई कमा एंड इनटू मीन ऑफ सॉरी mean of x into mean of y, sorry mean of y, okay। so कुछ इस तरह से हम फॉर्मूला हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, आप जब सिंप्लीफाई करके देखोगे तो ये फॉर्मूला है आपका कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ओके सो टेंशन मत लीजिए आप, नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे एक्सेस अपॉन एक्सेस, बिकॉज ये क्या है मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ये फॉर्मूला डालने वाला यहाँ पे। ओके समीशन ऑफ एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ओके ये फॉर्मूला मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ, और सिंपली मैं किस तरह से पुट करूंगा इसको, बिकॉज स्लोप निकालने का फॉर्मूला है स्टैटिक्स अप्रोच में, क्या स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला np डॉट सम ऑफ सम निकाल लेगा हमें सारे एलिमेंट्स को, क्या कर देगा सम निकाल लेगा x इनटू x x का स्क्वायर माइनस मीन ऑफ x इनटू मीन ऑफ x इनटू n। ओके सो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे x स्क्वायर, ये फॉर्मूला है x माइनस x मीन का होल स्क्वायर, इसका हमने क्या कर लिया सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा हमको, ये दोनों का आप सॉल्व करके देखिए। अगर आप प्रोग्राम बना के देख रहे हो तो आप अगर एनप्लॉट सम वगैरह वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल फॉर्म प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो आप भी बना सकते हो, तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी। ओके ये मैं गारंटी आंसर देता हूँ आपको। नाउ दैट स्लोप, आप स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस मीन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो सिंपली हमें क्या करना है यहाँ पे, एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई वाले ब्रैकेट को जो मल्टीप्लाई किया हमने उसको डिवाइड करना है हमको स्क्वायर से, एक्स एक्स का स्क्वायर। ओके तो यहाँ स्लोप आ जाएगा ना, स्लोप आ चुका है मेरे पास ना, अब बारी क्या फाइंड करने की, इंटरसेप्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल्स टू जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के थ्रू जाएंगे हम, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बोलता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और लीनियर रेगुलेशन लाइन हमेशा ये बात ध्यान रखना, लीनियर रेगुलेशन लाइन जो है हमेशा पास होती कहाँ से, मीन पॉइंट से पास होती, कौन से पॉइंट से पास होती, मीन पॉइंट से। सो अगर सी की वैल्यू पता करनी, एम स्लोप की वैल्यू पता कर चुके हैं, वाई जहाँ से पास हो रही है वो पॉइंट पता है, तो सी की वैल्यू नहीं पता चल जाएगी आसानी से, पता चल सी इज इक्वल्स टू मीन ऑफ
मीन ऑफ वाई माइनस ऑफ मीन ऑफ एक्स इनटू स्लोप। ओके सो इस तरह से हम पता कर लेंगे। सो ये सिंपली यार फॉर्मूला यार लिखी दिया है मैंने, तो इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। नीचे तक वेरिएबल नेम भी सेम ही है और मैं इसको सी लिखने वाला हूँ। ओके व्हाट हैपनिंग, लगता है कॉपी नहीं हुआ। ओके सो इस तरह से हमने निकाल लिया ना इस फंक्शन में जो बनाया था हमने कोएफिशिएंट इनलाइन लाइन, तो हम रिटर्न करेंगे क्या स्लोप, हमने क्या बनाया कोएफिशिएंट को रिटर्न करने के बाद स्लोप और सी के वैल्यू हम क्या रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। सो सिंपली हमने क्या फंक्शन बना चुके हैं, ना फंक्शन को इन्वोक करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं और वैल्यू पास करते हैं। सो कोएफिशिएंट अंडरस्कोर लाइन, इसमें हम वैल्यू पास करने वाले हैं डेटा पास कर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये रिटर्न करेगा, एक रिटर्न टाइप का फंक्शन है, इसलिए हमें किसी ना किसी वेरिएबल में हमारे वैल्यूज को लेना पड़ेगा। सो दो वेरिएबल बनाते हैं स्लोप और सी नाम का। ओके जिसके अंदर हम क्या कोएफिशिएंट जो वैल्यू आएगी स्लोप और सी की वैल्यू हम इसमें लेने वाले। सिंपली एक ट्रिक बताता हूँ आपको, तो स्लोप जिस तरह हमने वैल्यू रिटर्न करी है, सबसे पहले स्लोप लिखा है फिर सी लिखा है, तो उसी तरह हम वैल्यू को निकालेंगे सही। सबसे पहले हम स्लोप लिखेंगे फिर सी की वैल्यू लिखेंगे। ओके सो ठीक है कर लेते हैं इसको। सो समथिंग मिस्टेक, कुछ मिस्टेक आ रही है हमारे पास np डॉट सम। ओके 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 यहाँ मिस्टेक आ गई, हमने यहाँ एक माइनस साइन की जगह हमने यहाँ पे कोमा लगा दिया। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटी सी मिस्टेक थी। सो फिर से रन करते हैं इसको ना। सो देख सकते हैं अब सक्सेसफुल रन हो चुका है ना। अगर हम प्रिंट करनी है स्लोप की वैल्यू, तो हम स्लोप की वैल्यू भी देख सकते हैं क्या आई होगी मेरे स्लोप की वैल्यू। ओके तो सिंपली मैं स्लोप लिखता हूँ यहाँ पे। सो 19.52 मार सॉफ्ट स्लोप वैल्यू आई है लाइन ऑफ स्लोप, एंड इंटरसेप्ट वैल्यू क्या आई है -0.588 हमारी इंटरसेप्ट की वैल्यू आई, मतलब एक्स एक्सिस के जो है माइनस में जा रहा है ये। ओके क्या जा रहा है माइनस में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट हम फंक्शन बनाएंगे हमारे डाटा को विजुलाइज करने के लिए। सिंपली हम क्या वाइट विजुलाइज करने के लिए हम बनाते हैं हमारा फंक्शन डिफाइन फॉर विजुअलाइजेशन डाटा, विजुअलाइज द डाटा। सो इसमें हम क्या करेंगे चार वैल्यू पास करेंगे एक्स कोमा वाई जो हमारा डेटा है, फिर हम स्लोप वैल्यू पर फाइंड करेंगे बिकॉज लाइन बनानी है हमको, तो लाइन ग्राफ के ऊपर लाइन बनाने के लिए हमको स्लोप की जरूरत पड़ेगी, इंटरसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। सो ये सारी चीज़ें हमें जरूरत पड़ेगी ना। लाइन बनाने के लिए हमको एक और चीज़ की जरूरत पड़ेगी प्रिडिक्टेड पॉइंट्स, जो लाइन के थ्रू हम पॉइंट्स जो प्रिडिक्ट करेंगे ना उसकी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज चेक तो करना पड़ेगा ना हमको जो हमने मॉडल बनाया वो लाइन बनाई वो हमारे जो एक्चुअल पॉइंट्स थे उनको ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई हमने वाई प्रिडिक्ट निकाला। सो इक्वेशन ऑफ लाइन के थ्रू हम क्या पता कर सकते हैं वाई प्रिडिक्टेड, सिंपली स्लोप करेंगे स्लोप इनटू, सॉरी रन हो गया गलती से कोई दिक्कत नहीं, स्लोप इनटू एक्स माइनस सॉरी प्लस ऑफ सी। सो इससे तरह क्या मिल जाएंगे प्रिडिक्ट पॉइंट्स मिल जाएंगे, उम्मीद आपको दिख रहा होगा, अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके सो टेंशन मत दीजिए, कोड है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे दूंगा कोड की, जहाँ से आप जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके सिंपली सर। सो नेक्स्ट थिंग अब मैं बात करने वाला हूँ, मैंने वाई प्रिडिक्ट बोल दिया, अब मैं ग्राफ के ऊपर इसको प्लॉट करेंगे। ओके सो ग्राफ के ऊपर किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं हम, PLT डॉट पहले हम स्कैटर प्लॉट बनाएंगे। स्कैटर प्लॉट किस लिए, जो हमारे पॉइंट्स है ना उनको दर्शाने के लिए स्कैटर प्लॉट बनाएंगे, एक्चुअल डेटा को दर्शाने के लिए हम स्कैटर प्लॉट बनाएंगे पहले तो। सो कलर, उसका कलर क्या रखने वाला हूँ मैं, सिंपली कलर के लिए सी लिख दीजिए, कलर रेड कलर रखेंगे और मार्कर ओ आई, मार्कर किस हिसाब से मार्कर दे रहा हूँ, मार्कर का क्या मतलब है, कलर का तो कलर के लिए सी और आर के लिए रेड, आर स्टैंड फॉर रेड एंड सी स्टैंड फॉर कलर, ये तो सिंपल सा है। मार्कर ओ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ से, वो मैं आपको बताऊँगा, कब बताऊँगा मैं आपको, जब मैं पूरा कोड में कंपाइल हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। ओके सो उम्मीद आपको दिख रहा होगा, एक्चुअली ये मुझे पहले कर देना चाहिए था ये, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे कि यार दिखता नहीं, इस तरह से मैं अगली वीडियो में ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। ओके सो नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन प्लॉट करने वाला हूँ। सो सिंपली लिखेंगे PLT प्लॉट एक्स कोमा, अब नाउ वाई वैल्यूज क्या है हमारी, रेंज क्या है वाई प्रिडिक्ट। ओके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सिंपली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिटरमाइन करता है एक्स वैल्यू और वाई एक्सिस क्या हमारी वाई अंडरस्कोर प्रिडिक्ट, उसका कलर भी क्या रखना है, उसका कलर कुछ और रखते हैं, उसका कलर रखते हैं हम लेट्स से ब्लू। ओके
एंड मार्कर मार्कर वैल्यू क्या रखते हैं हम उसकी, ओ ओ आई है ओके। नाउ plt.show मतलब हमको शो कर देना। सो लेट्स वापस हम करते हैं हमारा इस फंक्शन कॉल करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। सोचिए थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है मेरे को, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मैं उसको फिर से बड़ा कर लेता हूँ। सो नेक्स्ट थिंग हम करेंगे विजुअलाइज, राइट लिखिए, राइट लिखिए फंक्शन एक्स कोमा वाई कोमा स्लोप कोमा सी। ऐसा नहीं कि आपने जो वेरिएबल यहाँ यूज किया ना पैरामीटर साथ जो यूज किया वो सेम नेम की है, आप इसको इन्वोक करें चाहे तो आप अलग भी कर सकते हैं। मैंने क्या आपको समझने के लिए सेम पैरामीटर इस्तेमाल किए, पर आप चाहें तो डिफरेंट पैरामीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ओके। सो देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारी लाइन बन चुकी है। ये जो है ना हमारी लाइन, मैं एक बार लिख के बताता हूँ आपको, नोट्स ले लेता हूँ एक बार, स्टे ओके। सो अच्छा वाला कलर ले लेता हूँ। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमको, लीनियर रिग्रेशन लाइन, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमको, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमको, लीनियर रिग्रेशन लाइन। मैं माउस से लिख रहा हूँ, उसकी थोड़ी प्रॉब्लम आई, ये लाइन ये लीनियर रिग्रेशन लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हमारा एक्चुअल पॉइंट्स है जो रेड डॉटेड में हमारे एक्चुअल पॉइंट्स है, और मार्कर मैंने बताया था मार्कर लिखा, मार्कर क्यों लिखा क्योंकि ओ ये देखना मार्कर शेप में आ गया, मतलब ओ शेप में, ये जो है ना डॉट शेप में आ गया। अगर मार्कर नहीं लिखता यहाँ पे सिंपली, अगर मार्कर मैं आपको बताता हूँ मार्कर नहीं लिखता ना मैं आपको, तो किस तरह के से हमारा पॉइंट्स दिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ ओके। नो सो एक काम करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं मार्कर को हटा के देखते हैं ओके, मार्कर को हटा के देखते हैं हम तो क्या होता है हमारे यहाँ पे, देख सकते हैं मार्कर को हटाए। सो यहाँ कोई स्कैटर प्लॉट था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा ना, यहाँ का मार्कर हटा के देखते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं हम ओके। नाउ इसको रन करते हैं फिर से। सो देख सकते हैं सिंपली लाइन ड्रॉ हो गई है, कोई मार्कर नहीं है यहाँ पे, तो सिंपली लाइन ड्रॉ कर चुका है ये, मतलब कोई पॉइंट्स को दर्शा नहीं रहा कि यार वन को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये देख सकते हैं आप सिंपली लाइन ड्रॉ हो गई, और ये अब देख सकते हैं कि यार फिर से मैं इसको रख देता हूँ पहले तो ओके। सो मार्कर से क्या समझ में आता है चीजें को अच्छी तरह से। सो हमें देख सकते हैं टू के लिए आ रही वैल्यू हमारे अप्रोक्सीमेटली 45 हमारे एक्चुअल पॉइंट, और जो हमारा ये प्रेडिक्टेड पॉइंट है 40 से कुछ कम आ रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेट 38 वगैरह कुछ आ रहा है। सो एक एरर है, इसके बीच में कुछ एरर है ओके। सो हमें देख सकते हैं कुछ एरर है, इसको बोलते हैं एरर ओके फाइन। सो इसको बोलते हैं एरर, ऑब्जेक्ट पॉइंट और इन दोनों के क्या गैप है थोड़ी सी, ये देखो यहाँ बहुत ज़्यादा एरर है, यहाँ के मुकाबले जो है ना पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट में बहुत ज़्यादा गैप है, एक्चुअल पॉइंट जो है ना वो पीछे रह गया और जो प्रेडिक्टेड पॉइंट है वो लीड कर रहा है, तो ये एरर है इसमें ओके। इसका स्क्वायर करेंगे तो पता चल जाएगा हमको कि किस कितनी एरर है ओके। सो पढ़ते हैं बस, तो मैंने आपको बता दिया है, हमने पूरा एल्गोरिथम बना लिया है, ये कोड है पूरा एल्गोरिथम बनाने का, ये लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा सिंपल एल्गोरिथम है, बना सकते हैं हम इसको खुद भी और यूज़ कर सकते हैं हमारे डेटा के लिए ओके। सो गाइस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, प्लीज़ पसंद आया तो लाइक कीजिए इसको, और अगर आप मशीन लर्निंग कोर्स में इंटरेस्ट है और दिल से करेज है तो प्लीज कमेंट में जाके मुझे बताइए कि यार आई एम ज्वाइनिंग दिस कोर्स, सिंपली आप लिख दीजिए आई एम ज्वाइनिंग कोर्स और आई हैव जॉइंड दिस कोर्स। सो मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कितने लोग इस कोर्स से जुड़ चुके हैं, तो उस हिसाब से मैं अपना मटेरियल रेडी करूंगा जो आने वाला मटेरियल है ओके। और इस कोर्स को मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको ओके। सो गाइस प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे कैसा लगा वीडियो ओके गाइस। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।